क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नालंदा में चुनाव में धांधली को लेकर प्रदर्शन, आत्मदाह करने की पार्षद प्रत्याशी ने दी चेतावनी। नालंदा में कुछ लोगों ने की 4 पत्रकारों की पिटाई, पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। सहरसा में रेड लाइट एरिया में रेड पुलिस पर किया गया हमला। नवादा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10 अपराधी हुए गिरफ्तार। बक्सर जिले में 3 होटलों को किया गया सील, सेक्स रैकेट संचालन के मामले थे लिप्त। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाव लश्कर के साथ अपने पैतृक गांव नालंदा के हरनौत प्रखंड के कल्याण विघा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी माता स्वर्गीय परमेश्वरी देवी की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम के आगमन को लेकर कल्याण विघा के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। माल्यार्पण के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक आवास भी गए और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में रूबरू हुए। मधुबनी के चकदाह मध्य विद्यालय के प्रांगण में सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सदर अनुमंडल के कई हिस्सों में सैकड़ों गरीबों के बीच नए राशन कार्ड बांटे गए। मौके पर रहिका आपूर्ति पदाधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद थे। कार्ड पाते ही गरीबों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। हम लोग आज नए साल के अवसर पे हर कोई व्यक्ति अपना नए तरीके से अपना नया साल मनाते हैं। हम लोग का जो अपना तरीका है कि हमारे सरकार का निर्देश है कि समाज के वैसे पिछड़े लोग जिन तक सरकारी योजनाएं पहुंचाई जानी चाहिए और पहुंचाई जा रही है, तो हम लोग आज का दिन उनके लिए शुरुआत करें। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आजीवन भोजन का प्रबंध हो जाए। सरकार की जो ये योजना है राशन उपलब्ध कराने की, उसके माध्यम से आज हम सब लोगों को राशन कार्ड दे रहे हैं। और ये सिर्फ राशन कार्ड ही नहीं, भोजन प्राप्त कराने की, भूख से निजात पाने की गारंटी है एक तरीके से। बिहार शरीफ मुख्यालय के डीएम कार्यालय के समक्ष वार्ड संख्या 51 के 16B पर सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि बिहार शरीफ नगर निगम के चुनाव में वार्ड नंबर 51 से प्रीति कुमारी वार्ड पार्षद के पद पर चुनाव लड़ी थी। मतगणना के दिन नालंदा कॉलेज में प्रीति कुमारी को 31 मतों से विजय घोषित कर दिया गया, जिसके बावजूद भी उन्हें हारा हुआ घोषित कर दिया। इसको लेकर प्रत्याशी प्रीति कुमारी ने माथे पर मतगणना केंद्र पर पहुंची, उप विकास आयुक्त को जिम्मेदार ठहराया। इसी बात को लेकर डीएम कार्यालय के समक्ष सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रीति कुमारी ने प्रदर्शन किया और कहा कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे उग्र आंदोलन होगा। इतना ही नहीं, आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी।
अब है कि ये हम लोग को जांच करना है कि आप जांच इसको कीजिए और सही और गलत का फैसला कीजिए। वार्ड पार्षद के लिए जो विजयी घोषित किया गया है उसके ऊपर इनको जांच करना होगा, रिकाउंटिंग करवाएंगे। क्या नाम है आपका? आरोप यही है कि हम लोग का चुनाव को आयोजित घोषित कर दिया गया था कि मतलब जीत गए हैं, फिर 10-15 मिनट के बाद फिर कहे कि 7 नंबर से हार गए हैं, 7 वोट से हार गए। कौन से वार्ड खड़ा हुई आप? 51 वार्ड से। किसका लापरवाही लग रहा आपका? प्रशासन का, डीडीसी का। आप आज कहाँ आए आप? आज हम लोग आए हैं डीडीसी के पास। बक्सर के 3 होटलों में सेक्स रैकेट संचालन की बात सामने आने के बाद 3 होटलों को सील कर दिया गया। थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार मालाकार के द्वारा होटल अनीता पैलेस, होटल पैराडाइज तथा मां वैष्णवी होटल को सील किया गया। अपर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि न्यायालय के अगले आदेश तक होटल सील रहेंगे। तो वहीं इस मामले में प्रशासन ने होटल संचालकों को फरार घोषित करते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। जानते हैं 2 दिन पूर्व सदर होटल में छापा मारा गया था। छापा के दौरान कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में पाए गए थे, जिसका संज्ञा है कि वो जे व्यापार में लिप्त होंगे। उसी के मद्देनजर आदेश पारित हुआ है कि इन तीनों होटलों को अनीता पैलेस, वैष्णव होटल, खबर बेतिया से है, जहां नरकटियागंज बेतिया मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि एक बच्ची को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेड़ से जा टकराई, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। तो वहीं घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया और मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। जो पिकनिक मनाने के लिए थोड़ी जा रही थी, एक बच्ची को बचाने के चक्कर में यहाँ मुसहरवा चिमनी भट्टा के पास बच्ची को बचाने में ड्राइवर अपना कंट्रोल गाड़ी से खो दिए और रोड के दाहिने साइड पेड़ है उसी में जाके ठोकर मार दिए, जिसमें गंभीर रूप से सब घायल हैं। ग्रामीणों के सहयोग से इन लोग को शिकारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। कितने लोग घायल हैं? लगभग 4 लोग थे गाड़ी में। किसी को डेथ हुआ? नहीं, डेथ तो अभी नहीं पता चल पाया है, पर जो ड्राइवर है वो गंभीर रूप से घायल है। सर क्या नाम है? और बच्ची भी जिसको बचाने के चक्कर में बच्ची भी घायल है? हाँ, बच्ची भी घायल है, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है। नालंदा में लुटेरों ने घर में अकेली महिला को बंदूक के नोक पर बंधक बनाकर 2.5 घंटे लूटपाट करते रहे। अज्ञात चोरों ने 3 लाख की संपत्ति लूटकर फरार हो गए। इस संबंध में पीड़ित महिला ने थाने में FIR दर्ज कराई है। घटनास्थल पर सीढ़ी, लुटेरों के चप्पल, लोहे का रॉड और बेड पर एक गोली मौजूद थी। इस संबंध में थाना अध्यक्ष ने बताया कि लिखित आवेदन मिला है, CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है, जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अचानक से 2 आदमी पहले आया बेड पे और एकदम बैठा आराम से उछल के, तो हमको लगा एक पल के लिए कि मेरे हस्बैंड तो नहीं, फिर लगा गेट बंद है, वो कहाँ से आएंगे। फिर उतनी में तो तकिया से मेरा मुंह बंद कर दिया, मतलब रख दिया। हम अचानक उसके मुंह पे इस तरह से किए पकड़ने के लिए, तो दोनों हाथ से दबा दिया, फिर वो कान मेरा काट दिया। दोनों हम देने लगे सारा चीज़ खोल खोल के कि सब भैया ले लीजिए, हमको छोड़ दीजिए। फिर उसी बीच में मेरे गर्दन पे बंदूक रख ले था और मेरे मुंह बंद किए हुए थे ना, तो हम उसका उंगली में दाती काटे इस तरह से किया, गोली चल गया। गोली चला तो हम पलट गया, जो सामने वाला बैठल था उसी के हाथ में गोली लग गया। और उसी बीच में बोला और है सामान दो, हम बोले चलिए उस रूम में हम सामान देते हैं। और आगे वो लोग निकला और पीछे से हम गेट बंद करके फिर हम अंदर रह गए। वो लोग इस रूम में जो किया वो हम देखे नहीं, और फिर हम चिल्लाने लगे कि मतलब जान बचा दीजिए भैया। ये बगल में गप्पू भैया, उनका नाम लेके, मेरे एक चाचा हैं उनका नाम लेके चिल्लाए बहुत 1 घंटा तक। तब फिर उन लोग आए इधर से ही खेत से, तब तक तो पता नहीं चल गया था उन लोग। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम TV के साथ।
क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। वाजपेयी और प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए प्राइम टीवी। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। नालंदा में मिट्टी खुदाई कर रहे लोगों ने 4 पत्रकारों की पिटाई की, जिसका वीडियो सामने आया है। बता दें कि इसके खबर चलाने के बाद ये लोग आक्रोशित थे। पत्रकारों ने 112 पर फोन कर अपनी जान बचाई, तो वहीं पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पीड़ित पत्रकारों ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है, तो वहीं पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। सहरसा में बेखौफ हथियारबंद अपराधियों ने बाइक लूटने के दौरान युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। बता दें घटना सदर थाना क्षेत्र के सिमराहा बनवारी शंकर महाविद्यालय के पास की है, जहां बाइक लूटने के दौरान युवक को गोली मार दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। बता दें पूरे मामले में पुलिस जाँच में जुटी हुई है। आपको कैसे पता चला? ये फोन के द्वारा हमको बताया। कहाँ पे गोली लगा हुआ था? सिमरा ढला के बगल में, गाड़ी छीनने के क्रम में हुआ है। लूटपाट के दौरान? लूटपाट के दौरान। क्या नाम उनका? मोहम्मद समीर। कहाँ घर है उसका? हटिया गया थी। खबर सहरसा से है, जहां सदर थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेड लाइट एरिया भारती नगर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान लगभग आधा दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। डीएसपी की माने तो कुछ असामाजिक तत्वों के छिपे होने सहित ह्यूमन ट्रैकिंग की सूचना मिली थी, जिस आधार पर कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस के साथ दुर्व्यवहार मामले में उन्होंने कहा कि पुलिस पूछताछ करने गई थी, जिसका वहां मौजूद लोगों के द्वारा विरोध किया गया। सूचना के आधार पर साथ ही साथ इमोरल ट्रैफिक को, ट्रैफिकिंग जो इल्लीगल है, पर से इल्लीगल है, उनको देखते हुए हम लोगों ने रेड किया। वृहद पैमाने पर रेड हुई। हमारे साथ SDPO सर साथ में है और अंचल निरीक्षक, सदर थाना के SHO, महिला SHO, अन्य पदाधिकारी गण और हमारे बल थे। हम लोगों ने जाकर के पूरी तरीके से एक एक इलाके को जाकर के देखा और कोई ऐसी संदेहास्पद व्यक्ति पकड़ में तो नहीं आए हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए अपने साथ लिया है। पूछताछ के आधार पर उनके सत्यापन के बाद उनके ऊपर जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। नवादा के बुंदेलखंड ओपी थाना क्षेत्र के तकिया पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नवादा DSP उपेंद्र प्रसाद ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बुंदेलखंड और नगर थाने की टीम गठित कर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हथियार के साथ 2 महिला सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
इसके निशानदेही पर कई घटनास्थल से चुराई गई आभूषण संपत्ति बरामद हुई है। इस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी और इनकी संपत्ति की बरामदगी के लिए पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गुप्त सूचना मिली थी कि बदायूं से कुछ लोग आकर के रह रहे हैं बुंदेलखंड थाना के अंतर्गत तकिया मोहल्ला में। इधर हाल के दिनों में थाली में, धमौल में, हिसुआ में, नरहट में सोने चांदी के दुकान में चोरी की घटनाएं घटी थी। पिछले वर्षों में भी कुछ घटनाएं घटी थी तो बदायूं की टीम का ही पता चला था, तो इस बार भी बदायूं की टीम आई थी, सूचना मिली थी तो छापामारी की गई। छापामारी करने के बाद वहाँ से 8 पुरुष और 2 महिला गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से लोडेड देसी कट्टा, 35 जिंदा कारतूस और सोने चांदी के जेवरात और जो डकैती करने के जो उपकरण हैं, गाता हैं, खैती हैं, ब्लेड है, हेक्सा है, वो सारे सामग्री बरामद। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।